से लोगों को बचाने के लिए दमकल विभाग लगातार सरकारी ऑफिस, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थल, बैंकों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। और आज जिला कारागार गाजियाबाद में जिला अग्निशमन विभाग गाजियाबाद द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव हेतु कारागार को सैनिटाइज करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। जिला अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा कारागार के अंदर समस्त आहतों, बैरक, अस्पतालों के साथ साथ सभी नाले नालियों में डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया गया। पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के द्वारा और जनपद गाजियाबाद में डीएम साहब, एसएसपी साहब के निर्देशन में जनपद गाजियाबाद वासियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए फायर सर्विस द्वारा लगातार 2 तारीख से जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसमें चिकित्सा विभाग सीएमओ साहब के परामर्श से और नगर आयुक्त महोदय से जो है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त करके 6 गाड़ियां लगाई गई हैं, जो कि लगातार सार्वजनिक स्थानों जैसे कि फल मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, जिला जेल, कारागार और जितने कार्यालय हैं, कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, इसके साथ साथ आवासीय परिसरों में भी ये लगातार हम लोग अभियान चला करके प्रतिदिन जो है ये सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं।